हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। रेवाड़ी में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को अहम कामयाबी हासिल हुई है। दोनों ने साझा ऑपरेशन करते हुए लिंग परीक्षण करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और इतना ही नहीं, तीन गिरफ्तारियां भी हुई हैं। रिपोर्ट देखें। धारूहेड़ा थाने में खड़ी इस कमर्शियल कार को देखकर आपको लगता होगा कि ये कार यहाँ किसी सवारी या पीड़ित व्यक्ति को लेकर आई होगी, लेकिन जब आप इस कार में चल रहे गोरख धंधे के बारे में जानेंगे तो आपके पैरों तलों से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ये वही कार है जिसमें लिंग परीक्षण जैसे गैर कानूनी कार्य को अंजाम दिया जा रहा था। आरोपी ने किसी को शक न हो इसलिए कार हायर किया था और फिर चलती कार में चीनी मशीन के माध्यम से लिंग परीक्षण जैसे गैर कानूनी कार्य को धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही इसकी खबर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को लगी, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा। जांच अधिकारी ने बताया कि जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को गाजियाबाद के कुछ लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे जो लिंग जांच का जिले में काम कर रहे थे। इस पर कार्रवाई करते हुए फर्जी ग्राहक बनाकर टीम को धारूहेड़ा बुलाया गया और फिर 1 लाख रुपए के लालच में ये सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कल रविवार के दिन 27 सितंबर को एक डीसी रेवाड़ी साहब की तरफ से एक संयुक्त टीम बनाई गई हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग की तरफ से, और उसमें एक मूवेबल जो कि पोर्टेबल मशीन के साथ जो कि गर्भ निर्धारण का टेस्ट करते हैं उसको उन आरोपियों को पकड़ने के लिए एक संयुक्त रेड की गई, जिसमें धारूहेड़ा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में एक गाड़ी को आरोपियों समेत काबू किया गया, जिसमें एक आरोपी बलवान सिंह निवासी गाजियाबाद और एक रामफल जो कि एक मीडिएटर है जो जिस जोगरा को समझवाता है तो उनको काबू किया गया जो कि पैसे लेके और गर्भ निर्धारण का कार्य कर रहे हैं। पुलिस ने लिंग परीक्षण करने वाले पोर्टेबल मशीन के साथ ही कार भी जब्त कर लिया है। साथ ही पुलिस को इनके पास से 36,000 रुपए भी मिले हैं। मुख्य आरोपी बिचौलियों के माध्यम से इस गैर कानूनी काम को अंजाम देता था। इसके लिए मुख्य आरोपी बिचौलियों को कमीशन भी देता था। फिलहाल पुलिस ने PNDT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट।